So this is what the taxonomy is, the field in which there are some factors which are involved. Okay, so what are the factors? We take number one. See, number one is the characterization. This is the factor, that is what the characterization. Okay, and then second one is the identification. So there is a second one, that is the identification, and third one is the nomenclature. And the fourth one is the classification. So the taxonomy is the branch of biology which actually deals with these four factors. Okay, so the first factor is the characterization. So what is the characterization? Okay, then the second factor is the identification, then the nomenclature, as well as what the classification. Okay, so in this case here बेटा, एक छोटी सी अगर हम लोग कहानी को देखेंगे, एक छोटा सा बेटा है ना, कहानी के बारे में समझते, एक छोटे से बच्चे को आप एक स्टोरी बताना चाहते हो, है ना, उसको ज्यादा कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं है, तो अगर आप एक उसको कहानी बताना चाहते हो और उसमें एक कैरेक्टर है, उसमें एक है ना क्रिएचर है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हो उसे, तो आपने उसको ये बताया कि बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, बहुत बड़ी सी लंबी नाक होती है, और दो बड़े बड़े दांत होते हैं, और ये ह्यूज एनिमल होता है, ऐसे कुछ कैरेक्टर आपने उसके दिमाग में फेडअप कर दिए, उसको एकदम भर दिए उसके दिमाग मेरी में। आवाज भी नहीं आ रही है ठीक भाई, है, नाउ मैंने मेरी आवाज नहीं आ क्या रही किया, उसको लिस्ट दिया, कैरेक्टर्स का लिस्ट। इसी चीज को मैं कैरेक्टराइजेशन कहता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द कैरेक्टराइजेशन। सो व्हेनेवर वी ओके सिलेक्ट अ साइंटिस्ट, सिलेक्ट सम कैरेक्टर फॉर द क्लासिफिकेशन, सम कैरेक्टर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज द कैरेक्टराइजेशन। ये पहला पॉइंट है। ओके, अब ये जो केवीपीवाई, बायोलॉजी ओलंपियाड और नीट के एग्जाम भी ऐसे ऐसी फैक्टर्स की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो मुद्दा है कैरेक्टराइजेशन क्या है, सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर फॉर द टैक्सोनॉमी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द कैरेक्टराइजेशन। नाउ सपोज आप लोगों ने कोई पिक्चर दिखाया उसको, उस छोटे बच्चे को पिक्चर दिखाया, ठीक है, तो सडनली उसको पता चलेगा कि यस वो आइडेंटिफाई कर लेगा, है ना, उसको बड़े बड़े कान वाला, लंबी नाक वाला और बड़े दांत वाला एनिमल वो पहचान लेगा, है ना, तो वो आइडेंटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स। ओके, तो वो एनिमल जो है उसको दिमाग में दिखेगा, अरे हाँ ये तो वही चीज है जो अभी एक्सप्लेन किया गया था, श्योर बड़े कान दिख रहे हैं, एंड दैट्स इट। रिकॉग्निशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट द आइडेंटिफिकेशन। तो उसको बेटा रिकॉग्नाइज करो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, अब वो पूछेगा ये क्या है, इसको क्या बोले बताओ, तो आप बोलोगे दिस इज एलिफेंट, और जैसे ही आप उसे बोलोगे कि यस ये एलिफेंट है, तो ये क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर, है ना, तो मैं उसी कैरेक्टर को एक नाम भी दे देता हूँ, इसी कैरेक्टराइजेशन को नाम दे देता हूँ, ताकि मैं बार बार बेटा उसको रिपीटेडली उसी चीज से पहचान सकूं, है ना, रिपीटेडली आइडेंटिफाई कर सकूं, तो इसे मैं कहता हूँ नॉमेनक्लेचर। नाउ एक और चीज आपसे पूछा जाएगा, अगर आप उससे पूछो देखो एक साइड में एक बहुत बड़ा ट्री है, मैंगो ट्री, ठीक है, और एक साइड में ये एलिफेंट खड़ा है ना, तो वो पूछो आप कि उसमें इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिखता है, तो वो बोलेगा यस देयर इज अ डिफरेंस, ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, मे बी लाइक दिस। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, जो मूव नहीं कर रहा है वो शायद प्लांट है, और जो मूव कर रहा है वो एनिमल है। सो दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन। सो व्हाट वी डू टैक्सोनॉमी बेटा, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है, हम लोग उनके बड़े बड़े ग्रुप बना लेते हैं पहले, ताकि हमारा क्लासिफिकेशन, हमें हमारी जो स्टडी होती है वो आसानी से हो जाए। ओके, सो ये जो फैक्टर्स है, एक्चुअली इसके पहले के जो चैप्टर है बेटा, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें है, बट अभी जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, इसमें यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको टच दे रहा हूं, थोड़ा सा इसका रिविजन कर रहा हूं, दैट्स इट, श्योर।
So these are the four things. One is what the characterization, listing of the character by scientist. Okay, recognition of the organism on the basis of the characters listed is the identification, and then giving a particular scientific name according to the rules. That is a nomenclature, and then grouping of the organism according to the similarities and differences of character is the classification. So, beta, ye char factor ko hai na hum log jab ek sath consider karte hain, the branch of biology which deals with the characterization, identification, nomenclature and classification is called as a taxonomy. Okay, so I will repeat every point again. Characterization, listing of the character, identification, recognition of the organism, of the species on the basis of character, nomenclature, giving a scientific name, and classification, grouping the organisms. Okay, and what is taxonomy? The branch of biology which, you know, deals with this all four factors. Okay, characterization, identification, nomenclature and classification for the ease of the study of all the different types of the organisms. 17 to 18 million different types of species are present. Now isme ek aur point beta hum log consider karte hain. Mante beta hum log roughly agar beta main is number ko consider karta hu, मैं 1.7 मिलियन ये नंबर कंसीडर कर लेता हूं यहां पे. ओके, सो दिस इज 1.7 मिलियन, एंड आउट ऑफ दिस 1.7 मिलियन देयर आर एक्चुअली 1.2 मिलियन डिफरेंट एनिमल स्पीशीज एंड ओनली 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज आर देयर. सो कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना. अगर मैं पूछता हूं एनिमल और प्लांट इसमें से किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, है ना, दैट्स इट, है ना, किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है? आंसर इज वेरी सिंपल, एनिमल्स. एनिमल्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है. तो बेटा इतना बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सो वी हैव टू डील विद इट. ओके, सो द डाइवर्सिटी ऑफ द एनिमल्स, बिकॉज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स आर ग्रेटर देन द प्लांट्स. बट we don't have to ignore one other point, that is what the microorganisms, unka beta hum classification kar hi nahi sakte, unka number beyond imagination hai, hame kuch nahi pata unke bare mein. Ye aise ek ek karke virus nikalte aa rahe hai, hai na, hum log bas shock mein rahenge jab jab ek naya naya nikalta chala jayega. So that is what the point we have to understand. Microorganisms ke bare mein beta count kar pana, it's highly impossible. ठीक है, उसके लिए कुछ और भी रीजंस है, वो हम लोग, है ना, आगे चल के देख सकते हैं. बट ये है बेटा थोड़ा सा बेसिक जो हमें इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है. ओके, सो आई थिंक यू हैव नोटेड द पॉइंट्स, तो मैं इसको क्लियर कर दूं, आगे बढ़े. ओके, तो बेटा हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, शायद आपने 9th या 10th में भी पढ़ा होगा कि जो भी ग्रुपिंग होता है ऑर्गेनिजम्स का, है ना, ग्रुपिंग किया जाता है. देखो रियलिटी क्या है, है ना, व्हाट इज अ रियलिटी? रियलिटी इज द स्पीसीज. स्पीसीज एक रियल चीज है. मतलब अगर मैं आपको बोलू जाओ मैंगो ट्री के सामने खड़े हो जाओ, तो यू कैन, इट्स पॉसिबल, यू कैन, है ना, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मैंगो ट्री, obviously possible. But if I will say go and stand in front of the kingdom plenty, where you will stand? Hai na, ye ek imaginary group humne banaya hai on the basis of the characterization. Ye hame samajh mein aana chahiye to study them. Okay, so there are some groups we have made, larger to the smaller, kingdom to the species. Hai na, phylum, division hai, class hai, order hai, family hai, genus hai, species hai. Sure. तो ऐसे बेटा ग्रुप हम बनाए हैं. तो लार्जेस्ट जो कैटेगरी होती है ना, जो लार्जेस्ट कैटेगरी होती है उसे हम लोग किंगडम कहते हैं. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द किंगडम. नाउ बेटा आपका जो भी एग्जामिनेशन आप दोगे उसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए थोड़ा सा ये प्रिपेयर कर लेते हैं. पहला पॉइंट, हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? तो ये इसका जवाब देना मुश्किल है. हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? ठीक है, सो देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ.
ना, व्हेन यू चेंज द कैरेक्टराइजेशन द क्लासिफिकेशन विल चेंज. जैसे हम कैरेक्टराइजेशन चेंज करते हैं क्लासिफिकेशन बदल जाती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल एंटर इन टू अ क्लासरूम, ठीक है, अगर मैं क्लासरूम में एंटर करता हूँ और क्लासरूम में एंटर करने के बाद में मैं देखता हूँ कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सीटिंग, ओके, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वहां क्लासरूम में प्रेजेंट है, सो आई वॉन्ट टू क्लासीफाई देम. सो मैंने एक नेचुरल कैरेक्टर कंसिडर किया, जेंडर. तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड सम स्टूडेंट्स आर गर्ल, हो गया एक छोटा ग्रुप बन गया, है ना. तो जो है ना सबसे पहला जो ग्रुप मैंने बना दिया वो सबसे बड़ा ग्रुप है. बट मैं ये भी तो कर सकता था क्योंकि मैंने कैरेक्टर जेंडर कंसिडर किया इसीलिए मेरा ग्रुप अलग अलग बना. वैसा शायद मैंने कोई दूसरा भी कैरेक्टर सिलेक्ट करना चाहिए था. जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इफ द स्टूडेंट्स आर वियरिंग स्पेक्स आर डिफरेंट, है ना, और सम स्टूडेंट्स आर नॉट वियरिंग द स्पेक्स, चश्मे पहने हुए हैं चश्मे नहीं पहने हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर सकता हूं तो मेरा क्लासिफिकेशन बदल जाएगा, है ना. अब मैंने है ना चश्मों वालों को अलग कर दिया बिना चश्मों वालों के, तो अलग ही ग्रुप बनना शुरू हुआ. सो आई विल रिपीट द स्टेटमेंट, इफ यू चेंज द कैरेक्टराइजेशन, इफ यू चेंज द कैरेक्टर्स द क्लासिफिकेशन विल चेंज, है ना. और ऐसा हुआ है, इसका मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ और आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है. हमने केमिस्ट्री पढ़ी है बेटा, केमिस्ट्री में बेटा अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. हम लोगों ने पहले पहले उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की, है ना, मेटल नॉन मेटल, ऐसा मैंने कहा, ठीक है, बजा के देखो टंग 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 बज रहा है मेटल है. कभी किया होगा किसी ने ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसा कैरेक्टर लिया होगा, बजा के देखो बजाया तो एकदम फूट गया नॉन मेटल है, कुछ ने ऐसा किया होगा बेटा. कैन वी यूज द सेम कैरेक्टर्स टुडे? नो, है ना. फिर किसी ने ट्रायड वाला सिस्टम लाया, किसी ने ऑक्टेव वाला सिस्टम लाया, है ना. मेंडेलीफ भाई साहब आए, उन्होंने क्या किया, मेंडेलीफ भाई साहब ने एटॉमिक वेट ये वाला कैरेक्टर यूज करो, एटॉमिक वेट, ओके, तो क्लासिफिकेशन चेंज बिकॉज कैरेक्टर इज चेंज, है ना. नाउ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज करते हैं, हम एटॉमिक नंबर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं. सो हमने और एक बार कैरेक्टर को चेंज किया. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, है ना, तो लोगों ने बेटा शुरुआत से कोशिश की है ना, और वो इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है, अच्छे से अच्छा मॉडर्न क्लासिफिकेशन आता चला जाता है. श्योर, तो यहाँ पे हमें यही समझना है, दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू चेंज द कैरेक्टर द क्लासिफिकेशन विल चेंज, यस और नो, है ना. वक्त के साथ बेटा ये होता जाएगा, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है उतना अच्छे कैरेक्टर्स को हम लोग सिलेक्ट करना शुरू करते हैं. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट हमें ये याद रखना है, सबसे पहली बार ये जो लीनियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट थिंग यू कैन नोटिस, ओके, लीनियस जो है इन्होंने सबसे पहली बार, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है उनको दो किंगडम में बांट दिया, ओनली टू किंगडम्स, उनका हिसाब से सिर्फ दो ही किंगडम थे, एक था बेटा किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया, ये उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, इन 1758, ठीक है. उसके बाद में एक और साइंटिस्ट है बेटा अर्नस्ट हैकल, है ना, 1866, इन्होंने जो भी प्लांट और एनिमल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको साइड में निकाल दिया, चलो साइड में निकलो सारे माइक्रो बाजू और ऐसा किया, ठीक है. तो इसके वजह से क्या हुआ, तीन किंगडम उसने सजेस्ट किया, बोले तीन अलग अलग किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया. अब प्लांटी अलग है जो खुद का खाना बनाते हैं, एनिमेलिया बेटा वो घूमते फिरते रहते हैं, सेल वॉल नहीं है सेल के ऊपर, ठीक है. और ये रख दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो ऑन दिस बेसिस उसने मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को अलग कर दिया और उसके हिसाब से बेटा थ्री किंगडम सिस्टम लाया है. कितने किंगडम है इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द लीनियस दो ही किंगडम है, अकॉर्डिंग टू द हैकल तीन किंगडम है, ये आंसर देना है आपको, है ना, कोई नंबर बोल करके चुप नहीं बैठना है, तीन बोला है तो हैकल का नाम लेना है. आर यू क्लियर और नॉट? देन अगेन कोपलैंड आया बेटा, ठीक है, कोपलैंड 1966, देखो 100-100 साल बाद लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इट्स रिक्वायर्ड टू मच, है ना, हार्ड वर्क. सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोटिक ही नहीं होते, उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता,
ठीक है, वो उनको अलग करो, है ना, उनको अलग करो। तो फिर अच्छा ठीक है, उनको अलग कर दिया। तो वो बेटा प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को उसने अलग कर दिया। बोले कि चार ग्रुप है, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। ये क्या नाम है, मेटाफाइटा मतलब ही प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट्स, जोआ मतलब एनिमल्स। सो मेटाफाइटा मेटाजोआ, ऐसे चार किंगडम बना दिए किसने, कोपलैंड ने। सो कोपलैंड कहता है चार किंगडम सिस्टम है, फोर किंगडम सिस्टम, डन है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, ये कौन है बेटा, फाइव किंगडम सिस्टम लाया गया है। फाइव किंगडम सिस्टम लाया है विटकर ने। विटकर है, महाराष्ट्रियन नहीं है, तेंदुलकर नहीं है, मंगेशकर नहीं है, केर है, के ई है, ठीक है। सो 1969, अब ये क्वेश्चन तो नीट में भी आया है बेटा, कि विटकर का क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम सिस्टम कब दिया था, इन विच ईयर। मतलब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो सर ईयर पूछते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। सो 1969, दैट इज व्हाट द आंसर। सो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम माइकोटा। तो ये भाई साहब ने एक और नया किंगडम लाया, और वो किंगडम क्या है, किंगडम फंजा है, ओके। वो मल्टी सेलुलर है, उसके सेल के ऊपर सेल वॉल होता है, इसलिए प्लांट के अंदर रखा हुआ था, बट खुद का खाना खुद नहीं बनाता, इसलिए अलग कर दिया, है ना। तो फिर बेटा पांच किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अच्छे नाम रखो, ये थोड़े से मुश्किल वाले हैं, माइकोटा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ, है ना। तो इट्स अ सिंपल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। सो ये बेटा ये डिफरेंट टाइप ऑफ द फाइव किंगडम्स विटकर ने बताया। हमारी एनसीईआरटी 11th 12th स्टैंडर्ड E1, हमारा जो भी बेटा सीबीएसई बोर्ड है, IISc बेंगलोर जो कि KVPY के पेपर बनवाता है, ठीक है, और बाकी के जो ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओलंपियाड कंडक्ट कराते हैं, सारे लोग मैक्सिममली बेटा फाइव किंगडम सिस्टम को फॉलो करते हैं। ये क्लियर रखो, है ना, दे फॉलो द फाइव किंगडम सिस्टम, श्योर। तो जैसे कि अभी थोड़ा सा हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ा ले, जैसे मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप आंसर दे पाओगे। सी सिंपल आंसर क्वेश्चन है, हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा। अगर ऐसा मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा, तो आप क्या जवाब दोगे। ऑन यहाँ आपके सामने एग्जैक्टली स्टैकल, ऑन स्टैकल, पॉइंट है ना, ये आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। यस, हैकल इंट्रोड्यूस्ड इट, है ना। तो अर्नस्ट हैकल वाज द साइंटिस्ट हु गेव द टर्म प्रोटिस्टा, ये क्लियर होना चाहिए। नाउ ये फाइव किंगडम के सिस्टम के बाद में भी, है ना, हम लोग इतना मॉलिकुलर एडवांसेस कर चुके हैं उसके हिसाब से बेटा, आपको है ना, सिक्स किंगडम सिस्टम भी है, सेवन किंगडम सिस्टम भी है, कोई लिमिट नहीं है, है ना। मतलब ये रिसेंट वर्क भी हुए, तो ये तो 1969 का है बेटा इसका वर्क, है ना, 1969, कब का बेटा काम है ये भाई साहब का, करेक्ट है। तो ये जो है इसको हमें समझना है। तो ये एक तो नाम ले लेते हैं, एक तो लीनियस है टू किंगडम सिस्टम, हैकल थ्री किंगडम सिस्टम, कोपलैंड फोर किंगडम सिस्टम, एंड विटकर फाइव किंगडम सिस्टम, ओके। एक और आएगा जिसको हम कार्ल वूज बोलते हैं, कार्ल वूज सिक्स किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली अभी फाइव किंगडम सिस्टम को थोड़ा देख ले यहाँ पे। देखो ऑर्गेनिजम्स जो है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो सेल से बने हुए हैं, ऐसा रॉबर्ट विटेकर कहता है, और वो मानता है, उस समय यही सब कुछ है ना डिस्कवर हुआ था। सो इफ द सेल, इफ द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। वन एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और दूसरा बेटा यूकैरियोटिक सेल है। वन इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, अनदर वन इज अ यूकैरियोटिक सेल। दो प्रकार के सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, मतलब न्यूक्लियस भी नहीं होता, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल मतलब ऐसा बेटा सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, सब कुछ, ठीक है। तो एक्चुअली दो प्रकार के सेल है, ओके, ठीक है। बट जितने भी बेटा वर्ल्ड में प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, जितने भी आज तक, तो ऑल ऑफ देम आर यूनिसेलुलर, ठीक है, सारे बेटा वैसे ही, ऑल ऑफ देम आर प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। तो हम लोग मानते हैं कि बेटा व्हाट इज द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा मतलब क्या, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, क्लैमाइडो, ये जो है सारे जितने भी है बेटा, क्लैमाइडिया वगैरह,
ऑल देम आर जो भी है सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, तो भाई साहब ने ग्रुप बना लिया, ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर आर इन द किंगडम मोनेरा, हो गया ये मोनेरा में चला गया। नाउ हियर यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोट में दो पॉसिबिलिटी है, यूकैरियोट कैन बी यूनिसेलुलर एंड कैन बी मल्टीसेलुलर। सी अगेन आई विल टेल यू, प्रोकैरियोट आर ऑल यूनिसेलुलर, देयर इज नो मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट। सी सो यूकैरियोट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नाउ इट इज वेरी सिंपल, इफ द ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर द किंगडम इज द प्रोटिस्टा, है ना। कौन सा किंगडम है? प्रोटिस्टा है। अब ये सारा सब कुछ बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसके पहले का जो चैप्टर है उसका पोर्शन है, ठीक है। नाउ अब हम कंसीडर करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। पॉसिबल है बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है, सेल हैव द सेल वॉल और द सेल डू नॉट हैव द सेल वॉल, ऐसी दो चीजें हैं। सो इफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जितने भी सेल है अगर उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है तो अलग ग्रुप बन गए, और बेटा सेल वॉल नहीं है तो सेल वॉल नहीं है तो फिर एक ही ग्रुप है बेटा एनिमेलिया। तो व्हाट आर द एनिमेलिया बेटा, क्या होगा? दे आर विदाउट सेल वॉल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिंपल है। ओके नाउ सपोज इफ दे हैव द सेल वॉल, इफ दे हैव द सेल वॉल दे कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, लाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तो बेटा उनको मैं कहता हूं प्लांटी, ठीक है। और बेटा अगर वो हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर विथ सेल वॉल बट हेटरोट्रॉपिक, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर पैरासिटिक, दे आर सेप्रोट्रॉफिक, तो बेटा उस समय मैं उनको फंगस ये ग्रुप में डाल देता हूं। बाय दिस वे देयर आर फाइव किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्लांटी। नाउ ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, मेरे पास पांच किंगडम है, फाइव किंगडम है अकॉर्डिंग टू द विटाकर क्लासिफिकेशन, श्योर देयर आर फाइव किंगडम एंड आई विल नाउ यूज इट, ठीक है। अब मेरा फोकस क्या है मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। और बेटा इनके लिए प्लांटी और एनिमेलिया, इनके लिए दो अलग अलग चैप्टर बनाए हैं, प्लांटी और एनिमेलिया इन दोनों के लिए अलग अलग चैप्टर बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक चैप्टर अभी हम लोग कंसिडर करते हैं एंड दैट इज व्हाट द प्लांटी, सो वी आर स्टडीइंग अबाउट व्हाट द किंगडम प्लांटी। So now you have studied about, Anna, if we consider the kingdom Plantae, if we consider the kingdom Plantae, चलो अगर हम लोग kingdom Plantae को consider करते हैं, तो इसमें classification हमें करना पड़ेगा kingdom Plantae का। Now there are actually two different types of the organisms, दो अलग अलग प्रकार के बेटा organisms है, okay? There are two different types of organisms. One considered as what the cryptogams and another one is considered as what the phanerogams. Now what is the meaning of the cryptogamy and what is the meaning of the phanerogamy? It's a simple. Crypto, cryptos ka matlab beta, cryptic ka matlab hota hai, mysterious or hidden. ठीक है, और concealed जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, clear? So the organism, the plant bodies which do not have a proper conspicuous sex organs, ठीक है, जिनके बेटा sex organs hidden है, cryptic है, mysterious है, जिनको microscope से देखना पड़ता है, ठीक है, तो उनको मैं कहता हूं cryptogamy या cryptogams, simple। अच्छा, जो plants बेटा जिनके सेक्स ऑर्गन मैनिफेस्ट होते हैं, जिनके सेक्स ऑर्गन कॉन्स्पिक्यूअस है, द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉन्स्पिक्यूअस, ओके, दे आर लार्ज इनफ टू बी सीन बाय नेकेड आईज एंड दैट्स इट, दे आर कॉल्ड एज व्हाट द फैनेरोगेम्स, श्योर। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट
दीज आर द टू थिंग्स। नाउ बेटा क्रिप्टो गेम में कौन कौन आता है? क्रिप्टो गेम में तीन चीजें आती है, वन इज एल्गी, वन इज ब्रायोफाइटा, वन इज टेरिडोफाइटा। ओके, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये तीनों बेटा क्रिप्टो गेम्स में आते हैं। और जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दो बेटा है ना, ऐसे पांच ग्रुप हमको प्लेंटी में पढ़ने हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ओके, सो इनमें से थ्री ऑफ देम आर क्रिप्टो गेम्स एंड द टू ऑफ देम जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर फैनेरो गेम। दिस इज व्हाट द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू हियर, इस स्लाइड में आपको लगेगा कि सर एक मिस्टेक दिख रहा है, बराबर? क्या मिस्टेक दिख रहा है? मिस्टेक दिया सर, यहाँ फंगस लिखा हुआ है, सही है ना? अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम सिस्टम दिस फंगस इज नॉट इन्वॉल्व हियर, बट अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू थ्री किंगडम सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इवन फोर किंगडम सिस्टम बेटा, हेलोफाइटा में अभी तक है ना, ये तो विटाकर ने सेपरेट किया था, नहीं तो उससे पहले इसे कंसिडर किया जाता था। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इसीलिए मैंने इतना बेसिक आपका पहले बनाया है। मतलब अगर वो दिखे, फंजाई आर एक्चुअली नॉट प्लांट अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम सिस्टम, बट बिफोर दैट इट वॉज कंसिडर्ड। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसलिए इसको इग्नोर करते हैं, है ना, फंगस को इग्नोर करते हैं। अभी हमें याद रखना है यहाँ पे एल्गी, देन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों बेटा क्रिप्टो गेम्स है, एज वेल एज बेटा यहाँ पे हम लोग आते हैं, ठीक है, ये दो दोनों फेनेरोगैम्स बेटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज अ सिंपल क्लासिफिकेशन। नाउ देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन, ये इसी में दिखाई देगा। देखो एक क्लासिफिकेशन ये है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बेटा, स्पर्मेटोफाइटा, व्हाट इट मींस, सो ऑल द फेनेरोगैम्स आर स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है, आप नोट करके रख सकते हो, स्पर्मा मतलब होता है सीड, ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जिनके जो प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज व्हाट द स्पर्मेटोफाइट्स। और बाकी ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दिस दे प्रोड्यूस द स्पोर्स, दे प्रोड्यूस स्पोर, ठीक है, एंड दिस कैन प्रोड्यूस द सीड एज वेल एज द स्पोर, बोथ ऑफ देम। तो ये सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। तो अगर हम लोग नॉन स्पर्मेटोफाइट, नॉन सीड बियरिंग एंड सीड बियरिंग ऐसा एक ग्रुप बनाए, तो भी बेटा एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, ये तीनों नॉन स्पर्मेटोफाइट है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है बेटा स्पर्मेटोफाइट है। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू, कैन आई से जिम्नोस्पर्म्स आर फेनेरोगैम्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स? यस, फेनेरोगैम्स एंड स्पर्मेटोफाइट दोनों ही है वो, बिल्कुल सही। ओके, सो नाउ दैट इज व्हाट द थिंग वी हैव टू रिमेम्बर। ये हो गया बेटा दो चीजें। थर्ड थिंग, थोड़ा सा चैट हेड भी देख लेते हैं। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ थर्ड थिंग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि क्रिप्टोगैम फेनेरोगैम वाला मैंने डिफरेंस बता दिया। नाउ आई विल टेल यू अनदर वर्ड, कुछ बोलना चाहते हो बेटा? यस सर, सो कैन यू एक्सप्लेन अगेन क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी डिफरेंस? क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टिक मींस हिडन सेक्स ऑर्गन्स, ओके, ऊगोनियम, एंथेरिडियम, दे आर वेरी स्मॉल सेक्स, दे आर वेरी इनकॉन्स्पिक्यूअस। फेनेरोगैम्स मींस द कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन्स। ओके sir, yes. I joined just now, so we have to note this down or how is it? sir, मैंने अभी join किया है, तो फिर ये जो whiteboard पे ये copy करना है कि मतलब note करना है कि क्या है? SS ले ले। Simultaneously note कर सकते हो, simultaneously note करो, मैं आपको time दूंगा, ठीक है? अभी एक chart आएगा, अभी तो नहीं, मैंने जब बोलूंगा तो अभी इसके बाद का आएगा, वो बनाना है सबको, ठीक है? Okay sir, thank you sir. हाँ. तो अभी तो ये समझ लो पहले, तो फर्स्ट थिंग मैंने दो कॉन्सेप्ट अभी एक्सप्लेन किए हैं। नाउ इसके बाद बेटा हम आते हैं, तो मैंने सिर्फ ये बताना था कि अगर आपको फंजाई के बारे में पूछा जाए, इफ यू कंसीडर द किंगडम्स सिस्टम, अगर आप किंगडम सिस्टम को कंसीडर करते हो, फाइव किंगडम सिस्टम को, सो इट डू नॉट बिलोंग टू द थैलोफाइटा, श्योर? तो इसी चीज को अब हम लोग सामने लेके चलते हैं, ध्यान दे आते हैं। नाउ देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, वो क्या क्लासिफिकेशन है?
देखो हम लोग जानते हैं, शायद आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू एंड फूड कंडक्टिंग टिश्यू, है ना? तो वैसे बेटा जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स में पाए जाते हैं, बट क्या वो सारे प्लांट में होते हैं? और जाइलम फ्लोएम को ही हम लोग वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, वैस्कुलर, ठीक है? सो इसके हिसाब से, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, है ना, इनके हिसाब से हम लोग दो ग्रुप बना लेते हैं प्लांट्स के. वन इज व्हाट द वैस्कुलर प्लांट, अनदर वन इज अ नॉन वैस्कुलर प्लांट. ओके, नाउ वैस्कुलर प्लांट और नॉन वैस्कुलर प्लांट को जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बदलाव होता है. और वो क्या है कि जो नॉन वैस्कुलर प्लांट है उसमें दो एग्जाम्पल आ जाएंगे, एल्गी एंड ब्रायोफाइट. नाउ टेरिडोफाइट ने बेटा अपना ग्रुप बदल दिया, दल बदल लिया है, ठीक है? देखो यहाँ पे ये जो सीडलेस प्लांट है, कौन है? टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट जो है बेटा वो फर्न प्लांट जिनको हम लोग कहते हैं, दीज प्लांट्स टेरिडोफाइट्स, दे आर फैनेरोगैम्स? नो. दे आर स्पर्मेटोफाइट्स? नो. बट दे आर वैस्कुलर प्लांट्स, यू नो. तो बेटा वैस्कुलर प्लांट का जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे तीन लोग आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स. एंड नॉन वैस्कुलर में दो रह जाएंगे बेटा, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए. तो कैन आई आस्क यू, है ना, मैंने अगर आपको ये पूछा, कैन यू गिव द नेम ऑफ द वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम? वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम कैंसर होगा, टेरिडोफाइट्स. वो क्रिप्टोगैम है, टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम, उनके सेक्स ऑर्गन हिडन है, बट दे आर वैस्क्यूलर. सिंपल. तो ये सिंपल क्वेश्चन कितनी बार देखने को मिलता है, हर एग्जाम में आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट इज अ वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, जिसमें जाइलम फ्लोएम के बंडल्स भी है, ठीक है, और जो बेटा सीड भी नहीं बनाता और क्रिप्टोगैम है. सो व्हेनेवर दे विल आस्क यू, है ना, वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा टेरिडोफाइट्स. श्योर. नेक्स्ट वन, नाउ ये जो ग्रुप है इसमें हम लोग आते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन हमको दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों ने यूजुअली बेटा प्लांट्स को देखा होगा, यूजुअली प्लांट्स को देखा होगा. हम लोग जानते हैं ना, हम लोगों को जब बताया जाता है ना, कोई भी छोटी सी कहानी बताता है ना, हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाना चाहते, ठीक है, या कुछ बोलते हैं कि आज नहीं जाऊंगा, तबीयत खराब है एंड ऑल, ऐसे ऐसे बातें कहते हैं. तो जो घर में होते हैं ना, दादी, नानी, है ना, चाचू, ये सब बड़े बड़े लोग आपको कहानी बताते, देखो तुम तो ऐसे कर रहे हो, है ना, हम तो नंगे पाँव जाते थे, बीच में नदी रहती थी, है ना, बाढ़ आती थी तब भी उसमें कूद करके तैर करके जाते थे, बहुत बहुत कुछ बताते थे, ठीक है. और ये कब करते थे? जब बहुत छोटे थे, हमें मोटिवेट करने के लिए. एंड यू कैन आस्क अगेन, उनको पूछो ना, आप कितने छोटे थे तब की ये कहानी है, है ना, कोई भी इंसान की कहानी कितने छोटे थे तब से शुरू होती है. तो फिर आंसर आता है बेटा, है ना, हमारी कहानी शुरू होती है जब मैं जायगोट था. जायगोट था मतलब एक सिंगल सेल था भाई, है ना, जब मैं जायगोट था, वहां से कहानी शुरू होती है. मैं जायगोट था, फिर जायगोट से दो सेल बन गया, डिवाइड हुआ, फिर दो सेल से चार सेल, फिर बेटा, है ना, आठ, फिर सोलह, ऐसे करते करते मल्टी सेलुलर एक ग्लोब बना, मोरूला, ब्लास्टूला, है ना, तब मैं, है ना, मदर के यूटेरस में था. यहां से कहानी शुरू होती है. मतलब ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कि अ सिंगल जायगोट से हमारी कहानी शुरू होती है. हर इंसान की कहानी बेटा, हर ऑर्गेनिज्म की कहानी जायगोट से शुरू होती है, ठीक है. अगर जायगोट से शुरू होती है तो एक जायगोट किस चीज में डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है. तो जो प्लांट्स में एम्ब्रियो बनता है, जिसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है, ऐसे प्लांट को मैं क्लासिफाई करता हूँ बेटा, ऐसे प्लांट को मैं बोलता हूँ एम्ब्रियोफाइटा. सो व्हाट इज एम्ब्रियोफाइटा? जिसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो नाम की चीज बने, जो एम्ब्रियो से डेवलप हो जाए, ठीक है, उसको मैं बोलता हूं एम्ब्रियोफाइटा.
बेटा यहाँ पे ग्रुप बदल जाता है, ग्रुप कैसे बदलेगा बता दो, यहाँ ग्रुप बदलता है, क्या ग्रुप बदलेगा ध्यान से देखना। अब बेटा ब्रायोफाइट ने भी ग्रुप बदल दिया, इसका साथ छोड़ दिया अल्गी का, धीरे धीरे देखो कैसे हो रहा है ना। अब जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा ऐसे दो ग्रुप बता दिया हमें, एक है बेटा थैलोफाइटा, एक है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में कोई भी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता ही नहीं कभी, और ना ही उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बॉडी का जिसमें रूट स्टेम लीफ ऐसा कुछ हो, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम लोगों ने थैलोफाइटा कहा। तो उसमें सिर्फ एक ही है बेटा, वो रह जाता है एल्गी, और बाकी सब लोग एम्ब्रायोफाइटा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी ब्रायोफाइटा पड़ा, क्योंकि ये पहला प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ, इसलिए नाम पड़ा बेटा इसका ब्रायोफाइटा, है ना। तो इसमें एम्ब्रियो बनता है, इसके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो बनता है, इसमें भी एम्ब्रियो बनता है, इसमें भी एम्ब्रियो बनता है, या तो यू कहो कि ये सारे एम्ब्रियो से बनते हैं, ये क्लियर समझो। पहले जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और ये बेटा एम्ब्रियो से बनते हैं, यही हमें समझ में आना चाहिए, है ना। ह्यूमन बींग्स में तो यही होता है, एक जायगोट है उसे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है और फीटस से इन्फेंट, सही बात। तो ये जो चीज है बेटा ये ट्रेवल है, ये प्रोसेस है लाइफ साइकिल का। तो मुद्दा तो यही है कि दो ग्रुप बना दिए मैंने, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा, है ना। यहाँ कौन कौन आएगा, यहाँ आएगा एल्गी, और यहाँ कौन आएगा बेटा, यहाँ आएगा ब्रायोफाइट ट्रेडोफाइट एज वेल एज व्हाट द फैनेरोगैम, है ना। तो ये क्लियर करना मुश्किल जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब इधर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आ गए, इधर बेचारा एल्गी रह गया अकेला। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। बट फिर भी अगर मैं थैलोफाइटा के नीचे या फंजाई भी लिख दू तो, अब आपको पता है ना, अगर मैं यहाँ फंजाई लिख दू तो इसका मतलब मैं फाइव किंगडम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, यही है ना इसका मतलब। बट आई कैन राइट, यस यहाँ पे फंजाई लिख सकता हूं, बट उस समय मैं फाइव किंगडम सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, यही है उसका मतलब, ठीक है। क्योंकि ये जो फंगस होते हैं उनमें भी वैसे ही बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे एल्गी में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्लासिफिकेशन कैसा है चलो देख लेते हैं। इनमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती, रूट स्टेम लीफ फूड सिटे कैप्सूल ऐसा कुछ नहीं बनता, सिर्फ धागे धागे बनते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। बाकी एक दूसरा ग्रुप है जहां पे बेटा प्लांट बॉडी प्रॉपर डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। बट इसमें दो चीजें हैं जिसमें बेटा वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा और एक है विद द वैस्कुलर सिस्टम। तो जिनमें प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट जरूर होती है बट नॉन वैस्कुलर होती है वो ब्रायोफाइट है, ठीक है। जिनमें बेटा प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है और वैस्कुलर भी है उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया। कैसा क्लासीफाई किया कि वो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो द प्लांट बॉडी विच इज एम्ब्रियोफाइटा विच इज वैस्क्यूलर विच इज डू नॉट प्रोड्यूस सीड इज द टेरिडोफाइटा। द प्लांट बॉडी विच कैन बी डिफरेंशिएटेड टू द रूट स्टेम लीव्स विच हैव द वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम एंड विच ऑल्सो प्रोड्यूसेस द सीड इसका, है ना। यहाँ पे आ गया बेटा फैनेरोगैम, उसमें उनको मैंने बोल दिया स्पर्मेटोफाइट। अगेन बेटा डिफरेंशिएट होगा, वैस्कुलर टिश्यू होगा, सीड भी बनाएगा बट सीड नेकेड होगा, ठीक है। ये जो सीड बेटा नेकेड है ये गोवा बीच पे जाके सोता है, ठीक है। इसके ऊपर फ्रूट का कवरिंग नहीं होता, है ना, बेशरम सीड है। तो ऐसा कौन है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, ये हमें समझ में आना चाहिए। स्पर्मा मतलब सीड है पक्का, तो ये आ गया काम यहाँ पे। बट यहाँ पे फ्लावर भी नहीं आता। अब एक आया है बेटा हाईली एडवांस्ड है, कौन है हाईली एडवांस्ड, देखो जो डिफरेंशिएट होता है रूट स्टेम लीफ में, जिसमें जाइलम फ्लोएम के बंडल पाए जाते हैं, जो सीड प्रोड्यूस करता है, जिसके बेटा सीड के ऊपर फ्रूट भी होते हैं, फ्रूट का कोटिंग होता है, जो फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है, उनको हम लोग कहते बेटा एंजियोस्पर्म्स। ये क्लासिफिकेशन है प्लांट्स का, दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, ओके। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो बेटा नंबर वन चीज जो हम लोगों ने नोटिस की थी, वो नोटिस करने वाला पॉइंट क्या था, इसमें थोड़ा सा भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं।
नाउ कंसीडर हियर, मैं यहाँ पे बेटा आपको बताना चाहता हूँ नंबर वन थिंग क्या किया मैंने. मैंने कहा कि दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एक दो प्रकार के प्लांट बेटा पाए जाते हैं, है ना, टू टाइप्स. क्या क्या है बता दो. एक है जिसको हम लोगों ने कहा थैलोफाइट और एक को हम लोगों ने कहा बेटा एम्ब्रियोफाइट. ओके, तो थैलोफाइट में बस आता है एक ही बच्चा अल्गी, और इधर बेटा चारों लोग आ जाते हैं. ठीक है, ब्रायोफाइट भी आ गया, टेरिडोफाइट भी आ गया, जिम्नोस्पर्म भी आ गया और एंजियोस्पर्म भी आ गया, तो चारों इधर ग्रुप बना लिए. अच्छा, और एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, एक और क्लासिफिकेशन ले लेते हैं, है ना, नॉन वैस्क्यूलर. नॉन वैस्क्यूलर और क्या है बेटा, वैस्क्यूलर. तो अब ये करेंगे तो इधर इनका ग्रुप हो जाएगा एल्गी एंड ब्रायोफाइट बेटा एक तरफ है, और इधर कौन कौन है बेटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. श्योर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. यहाँ पे एक और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर लिया, है ना, एक को कहा बेटा नॉन सीड बियरिंग, ठीक है, और एक को हम लोगों ने कहा स्पर्मेटोफाइटा, मतलब ही सीड बियरिंग. ठीक है, तो जिनमें सीड होता है स्पर्मेटोफाइटा, तो बेटा ग्रुप बदल गया. ग्रुप क्या आ गया, एल्गी इधर आया, ब्रायोफाइट इधर आया, टेरिडोफाइट इधर आया, इधर दो ही रह गए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. और क्या क्लासिफिकेशन करके बताओ, ये देखो यहाँ पे कर देता हूँ नॉन फ्लावरिंग. अरे नॉन फ्लावरिंग जिसमें फ्लावर ही नहीं आता, एंड फ्लावरिंग. तो ऐसा कर दिया बेटा, जिसमें फ्लावर नहीं आता वो कौन कौन है, एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, इन चारों में फ्लावर नहीं आता. एक है जिसमें फ्लावर आता है वो है एंजियोस्पर्म्स. सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड. यस, दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, है ना. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप विच इज एम्ब्रियोफाइटिक नॉन वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम, है ना, विच वन इज एम्ब्रियोफाइटिक नॉन वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम. आप तैयार हो, आप आंसर दे सकते हो, इट्स इजी. बट ये जो है ये जिस तरह से, इस तरह से ये टेक्निकली आपको हैंडल करना आना चाहिए, you know? तो ये अगर आपको, आपने ये नोटिस अभी ये नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो गिव टेक टू मिनट्स टू ड्रॉ दिस. यस सर, एग्जाम्पल रखना मतलब याद रखना जरूरी रहता है. अच्छा, अभी तो जो कंसेप्ट है उसमें जाओ, अभी एग्जाम्पल जो है वो धीरे धीरे आएंगे, है ना. अब मैं एक बात आपको, ये जितने बच्चे अभी अटैच है बेटा, ये 50 स्टूडेंट जो भी है, उनके नाम पूछूंगा तो मुझे याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा. रोज मिलूंगा, रोज बातें करूंगा, है ना, तो मुझे नाम याद होना शुरू हो जाएंगे. वैसा ही है सर, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो सर ये आप बाद में ग्रुप पे डाल सकते हो, तो डायरेक्ट उधर से कॉपी कर लेंगे. क्या बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो सर ये बाद में ग्रुप पे आप डाल देना, हो सके तो उधर से डायरेक्ट ले लेंगे. देखो लिखने से थोड़ा मेमोरी अच्छी रहती है बेटा. सो वी हैव टू कॉपी दिस टेबल. आपको सिर्फ उतना ही लिखना है, हेलो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एग्जांपल नहीं लिखने हैं, ये जो एग्जांपल है ना यहाँ पे, ये एग्जांपल आपने नहीं लिखने हैं. ओके सर, जो मैंने बायफर्केट करके दिया है, देख रहे हो, ये वाला एक बायफर्केशन, ये बेटा ट्रिक्स है ना, इससे तो आपको आंसर्स आते हैं. So sir, we have to make this table. Just this one. Without these examples, sir, ये example आपने नहीं लिखने हैं. बस यहाँ सिर्फ thallophyta लिखो या bryophyta. Yes sir. ये example क्योंकि है ना, किसी भी classroom में लिखना जरूरी है. Write down. कुछ भी हो, थोड़ा तो ही लिखना है.
हो गया बेटा? सर 2 मिनट्स। ओके okay, so we are moving ahead. Okay, now इसको पहले मिटा देते हैं. Clear all drawing. Okay. Now there is one thing we have to notice. चलो, very good. डन यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है ना. जो भी हम लोग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज कहते हैं वो इवॉल्व हुए हैं, है ना, वो किसी छोटे से ऑर्गेनिज्म से क्रिएट हुए हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है अभी हम लोग देखेंगे वन बाय वन. ओके, नाउ सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मैंने आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट 2-3 बार बताया. If you change the character, the classification will change. है ना? If you change the character, the classification will change. आपने कौन सा character consider किया? उसके हिसाब से classification change होता है. तो बहुत सारे scientist आए और हर एक ने अपना अपना way से बेटा classification करने की कोशिश की. क्योंकि है ना, हम लोग अभी तक resolve नहीं कर पाए hydrogen का position किधर होना चाहिए, है ना? वहां तो कितने एलिमेंट है, है ना, इतने एलिमेंट है बेटा. जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, आर यू हियरिंग दिस? यस, ओके. सो डेफिनेटली बेटा हम लोग यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है A.P.D. कैंडोल. ठीक है, ए सर लिस्ट से गायब.
कहाँ गए सर? ये लगता है ज़ूम पे बायोलॉजी लेक्चर का कुछ प्रॉब्लम है। ज़ूम पे बायोलॉजी लेक्चर का कुछ प्रॉब्लम है। क्या? क्या बोला? अरे मेरा फ्रेंड बोल रहा है ज़ूम पे बायोलॉजी लेक्चर का कुछ प्रॉब्लम है। ये लो चालू हो गया। निकाल एक बार। ओके, नाउ यू आर गेटिंग वॉइस? यस। यस सर, ऐसा स्क्रीन नहीं दिख रहा। अरे इधर हमारा लाइट चला गया। यस सर, डोंट वरी। बहुत कुछ इधर हो आप सर, इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है तो अभी इतना छोटा छोटा झेल लेने का, ठीक है? ओके, यहाँ पे हम लोग आते बेटा मुद्दे पे। देर आर टू डिफरेंट टाइप्स। ये क्या है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। ओके, नाउ सी एपी डी कैंडोल, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्यों आ रहा है, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, विजुअल नहीं दिख रहा है। विजुअल नहीं दिख रहा है ना, एक मिनट। फोटो Yes, रवि दिख रहा है। yes, चलो तो yes. मेरे छोटे छोटे बच्चों, है ना, ये अभी होता रहेगा। मुद्दा क्या है कि हम लोग एक साइंटिस्ट का नाम तो लिख लेते यार, इसने तो, है ना, इसका नाम क्या लिया मैंने, एपी डी कैंडोल, और बंदे ने जो है पूरी दुकान ही बंद करा दी। कोई बात नहीं, है ना, चलो इसका नाम तो लिख लू मैं, आपको नाम दिखा दो। बहुत बड़ा तो नाम है बंदे का, उसका नाम है भाई ओके, कहीं कहीं लिखना है, ये लिखते हैं ए पी डी कैंडोल, ठीक है, ए पी डी कैंडोल। ये आदमी है, ये बहुत भयंकर आदमी है, इसने क्लासिफिकेशंस के क्लासिफिकेशन कर दिए। मतलब आज तक जितने लोगों ने क्लासिफिकेशन किए हैं उनको उसने क्लासिफाई किया। बोला कि किसी क्लासिफिकेशन को उसने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा, किसी न्यू नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा, किसी चीज को फाइलोजेनेटिक कहा। अब आप जो बायोलॉजी ओलंपियाड और ये एग्जाम देखोगे ना, केवीपीवाई वगैरह, तो उसमें ये वाला पॉइंट है ना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा बेटा। मतलब ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, है ना। तो ये जो ये चल रहा है ना एनिमेशन जो चल रहा है इवोल्यूशन का, इसमें क्या दिखा रहा है कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक जो है चीजें बनी है, डेवलप हुई है, ठीक है। तो जो भी है, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि इसी चीज को हम लोग इवोल्यूशन की स्टडी कहते हैं, एंड द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज व्हाट, द फाइलोजेनी, ठीक है। स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फाइलोजेनी, स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द फाइलोजेनी, परफेक्ट। नाउ उसने बहुत सारे सिस्टम्स बताए,
मैंने कहा है बार बार एक ही स्टेटमेंट आपको बताया कि इफ यू चेंज द कैरेक्टर द क्लासिफिकेशन विल चेंज. ओके, इफ यू चेंज द कैरेक्टर द क्लासिफिकेशन विल चेंज. नंबर वन आर्टिफिशियल सिस्टम है, नंबर टू नेचुरल सिस्टम है, नंबर थ्री है बेटा फाइलोजेनेटिक सिस्टम. तो चलो हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन. ओके नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां पे आता है बेटा अकॉर्डिंग टू द एपीडी कैंडोल. ओके, यहाँ पे एक पहला सिस्टम हम कंसीडर करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. अभी मैंने आपको एक एनालॉजी बताई थी ऐसे कि मैं अगर क्लासरूम में एंटर करता हूँ और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट दिखते हैं तो मैं ठीक है नेचुरली मुझे दिखाई देगा कि हाँ सम गर्ल्स आर देयर एंड सम बॉयज आर देयर. ठीक है, पहले बॉयज भी दिख सकते हैं. ठीक है, तो बट मैं जेंडर वाइज क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ. श्योर, तो ये नेचुरल लगता है, ये नेचुरल लगता है. बट अगर मैंने वो दूसरा ही कैरेक्टर लिया था, चश्मे पहने हैं नहीं पहने हैं, तो ये वाला थोड़ा सा अटपटा सा लगता है ना कैरेक्टर, है ना, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है. सो दिस वे जब इनिशियल लेवल पे, जैसे हमने मेटल नॉन मेटल का भी बताया, इनिशियल लेवल पे जब क्लासिफिकेशन शुरुआत हुई थी तो उतने एडवांस बेटा नहीं थे हम लोग, हमारे माइक्रोस्कोप उतने एडवांस नहीं थे. तो हम लोग उस वक्त सिर्फ है ना सुपरफिशियल जो अबो जो कैरेक्टर थे, है ना, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक्सटर्नल कैरेक्टर थे उनको ही स्टडी कर पाते थे, उनको ही स्टडी कर पाते थे. क्लियर है? तो बाय दिस वे अभी हमें समझ में आना चाहिए कि है ना ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन, अब ये क्वेश्चन आएगा, ये नीट में पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, एम्स में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि द क्लासिफिकेशन विच ओनली कंसिडर सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिलेक्ट है ना कंसिडर करने वाले क्लासिफिकेशन को हम लोग कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो आंसर आता है बेटा इट्स कॉल्ड एज व्हाट द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. दिस वाज द क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन रेडी है. ठीक है, सो नाउ यहाँ पे अब हमको ये क्लियर, अब ये अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है. आप में से कितने लोग बता सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी, है ना, फादर ऑफ बॉटनी का नाम बताओगे? कार्ल लिनियस नहीं है, है ना, फादर ग्रेगोर मेंडल. बॉटनी की सामने देख लिया इसलिए. पहली बार किसने बनाई थी? है ग्रेगोर मेंडल. थियोफ्रेस्टस नाम है. थियोफ्रेस्टस. ठीक है, तो फादर ऑफ बॉटनी जिनको कहा जाता है वो है थियोफ्रेस्टस. तो वो भाई साहब ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था, है ना, भाई साहब क्या वो दादा साहब हो गए कब के, बहुत पुराने हुए. ठीक है, तो वो जो है ना थियोफ्रेस्टस नाना जी ने बहुत पहले एक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की. क्या क्लासिफिकेशन थी बेटा? ट्री जो है, जितने भी ट्रीज आते हैं, है ना, जितने भी प्लांट्स है दुनिया में, उसको उसने चार ग्रुप में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर. और कैरेक्टर क्या लिया? हाइट ऑफ द प्लांट. बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे तो उसको हर्ब बोल दो, उससे थोड़े बड़े हैं तो अंडर श्रब बोल दो. ठीक है, चार फीट तक ग्रो हो रहे हैं तो बेटा श्रब बोल दो, और एकदम हाइटेड ग्रो हो गए तो ट्रीज बोल दो. ये चार क्लासिफिकेशन है ना, हर्ब, अंडर श्रब, श्रब एज वेल एज व्हाट द ट्री, ऐसे चार ग्रुप बना दिए. और कितना कैरेक्टर लिया भाई बंदे ने? एक. और वो कौन सा कैरेक्टर है? सिर्फ हाइट. ठीक है, तो ये तो बेटा अटपटा सा क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे भी है जो. सर वो दादा का नाम क्या था? थियोफ्रेस्टस. दादा क्या, परदादा हुआ रे. ठीक है, तो ये नॉर्मली हमको समझ में आना चाहिए. अभी क्या है मुद्दा, क्या है, थियोफ्रेस्टस ने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, वो था हाइट, है ना. बट बेटा ये अटपटा सा क्लासिफिकेशन है. क्यों है? क्योंकि जिनको फ्लावर आता है वो भी बेटा है ना हर्ब होते हैं, और जिनको फ्लावर आते हैं वो भी बड़े बड़े ट्री होते हैं. यूकेलिप्टस इज वेरी बिग. और जो जिम्नोस्पर्म है वो भी बहुत छोटे होते हैं. तो हर ग्रुप में अलग अलग बेटा हाइट के प्लांट अवेलेबल है. तो ये जो क्लासिफिकेशन है जो दिया गया था, तो इसीलिए ये नेचुरल तो लगता नहीं है, तो इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहा गया. दिस टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कंसिडर्ड एज व्हाट द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. श्योर, तो है ना. अब यहाँ पे ये एक बंदा है ना, ये तो कार्ल लिनियस है, ये बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत कुछ किया, है ना. कार्ल लिनियस ने दो बुक्स लिखी थी बेटा, दोनों बुक्स के नाम हम लोगों को पता होने चाहिए. एक्चुअली इनका नाम बेटा है कार्ल लिन, इनका नाम तो सिर्फ कार्ल लिन ही था, हम लोगों ने इनका नाम चेंज किया,
उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, कार्लस लिनियस ऐसा नाम उनको दिया हम लोगों ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत पहले, ठीक है, बुक का नाम था बेटा सिस्टेमा नेचरी, बुक का नाम है सिस्टेमा नेचरी, ये नाम है, ठीक है। एक और बुक लिखी, बुक लिखना बहुत है ना मुश्किल काम है, सिस्टेमा नेचरी, और एक और बुक लिखी जिसका नाम है बेटा स्पीसीज प्लांटारम, स्पीसीज प्लांटारम, ठीक है। तो ये बुक इनका जो है बेटा बहुत फेमस हुआ है ना, ये बुक बहुत फेमस हुआ सिस्टेमा नेचरी, ठीक है, इससे ये हिट हो गया, एकदम सेलिब्रिटी बन गया। अपने इधर बुक लिखने वाले, साइंटिफिक बुक लिखने वाले को कोई देखता भी नहीं है, ठीक है, उधर वो सेलिब्रिटी बना। देखो ना कैसे बाल लगा लिए है वो, क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो होता है वी बुक का स्कॉलर वाला, तो वो चीज है बेटा। सो ही गेव टू बुक्स, ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कौन से बुक्स लिखे थे, सो हमें आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ जो वर्क है ना, ये इन्होंने किया था, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है ना। तो मुद्दा आता है बेटा, इससे भी पहले ये जो थियोफ्रास्टस थे है ना, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, और वो बुक का नाम था बेटा हिस्टोरिया प्लांटारम, और इन्होंने उसका सिक्वेल लाया, वो था बेटा स्पीसीज प्लांटारम। तो उन्होंने धूम वन बनाया था, ये डायरेक्टर आए, इन्होंने धूम टू बनाया, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहता है, इसके आगे एक नेचुरल क्लासिफिकेशन आएगा, उसमें दो साइंटिस्ट है, एक का नाम है बेंथम और एक का नाम है हुकर, ठीक है। उन्होंने बेटा धूम थ्री लाया, उन्होंने लिखा जेनेरा प्लांटारम, तो याद रखना हिस्टोरिया प्लांटारम, स्पीसीज प्लांटारम, देन जेनेरा प्लांटारम, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप लिखना फैमिली प्लांटारम, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, वी हैव टू अंडरस्टैंड सिस्टमा नेचरी और स्पीसीज प्लांटारम, ये दो बुक उन्होंने लिखी थी, और ये वही बंदा है कार्ल लिनियस, इसने टू किंगडम सिस्टम दिया था। इसके हिसाब से सिर्फ दो ही किंगडम है बेटा, एक एनिमेलिया और दूसरा प्लांट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो दे वेयर बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स, है ना। तो ये अलग अलग जो कैरेक्टर्स है जो सिर्फ ऊपर से दिखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो भी एक या दो, इतने ही उन्होंने कैरेक्टर कंसिडर किए थे। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिनियस ने उसके सिस्टम के लिए कौन से कैरेक्टर को यूज किया था, ठीक है। तो लिनियस ने उसके सिस्टम के लिए बेटा कैरेक्टर जो यूज किया था वो था बेटा, है ना, नंबर ऑफ स्टेमेन, फ्लावर में कितने स्टेमेन प्रेजेंट है, हाउ मेनी स्टेमेन आर देयर इन अ फ्लावर, है ना, फ्लावर में कितने स्टेमेन प्रेजेंट है, ये बेटा क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया था। मैं कुछ नाम लिख देता हूं, है ना, ये भाई साहब ने बेटा कंप्लीट ऐसे 24 ग्रुप बना दिए थे, 24 ग्रुप, हाउ मेनी ग्रुप, 24 ग्रुप बनाए थे, है ना। और ये जो 24 ग्रुप है, पहले ग्रुप का नाम लिखता हूं बेटा, उन्होंने एक नाम दिया मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया। अभी मोनेंड्रिया का मतलब क्या है आप खुद ही समझ सकते हो, अगर फ्लावर में एक स्टेमेन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर फ्लावर में सिर्फ एक ही स्टेमेन होता है तो बेटा मोनेंड्रिया, तो बेटा यू आर टू मच इंटेलिजेंट, आपको मैं बोलू आपके टैलेंट का देखो अभी आप देख सकते हो। अगर मैं डायंड्रिया बोलता हूं तो आपको पता है कितने स्टेमेन है, देखो चेक करो, दो दो दो, सुपर्ब। अच्छा और एक बार इसको चैलेंज करो, ट्रायंड्रिया कितना होगा रे, थ्री स्टेम, थ्री स्टेम, हां तो नॉर्मल है ना। तो भाई साहब ने बी सर आईसो कितने 24 बट लिखना पड़ेगा, स्पेशल ग्रुप जो बनाया था वो बड़ा ध्यान से देखना, है ना, ऐसे उसने 23 ग्रुप बना दिए, 23, एक 24वां ग्रुप बनाया 24th, उसका नाम रखा बेटा नॉनेंड्रिया, ठीक है, उसका नाम रखा उसने नॉनेंड्रिया, मतलब नॉनेंड्रिया को मिला करके 23 प्लस 124 हुए, तो नॉनेंड्रिया मतलब जीरो स्टेमेन, नो स्टेमेन एट ऑल, मतलब उसका मानना था कि जिसमें फ्लावर ही नहीं है,
तो इसमें सब ग्लैंड डाल दिए उसने, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अब प्लांट के अलावा उसने फंगस को भी इन्वॉल्व कर दिया है ना, बैक्टीरिया को भी उसमें डाल दिया, प्रोटिस्टा को भी उसमें डाल दिया, क्योंकि वो सिर्फ बेटा बिलीव करता था टू किंगडम सिस्टम पे, या तो प्लांट है या तो एनिमल है बस, ठीक है। तो जिन जिन सेल के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है सबको बेटा उसने किंगडम प्लांटी में डाल दिया, और एक ग्रुप में डाल दिया, उसका नाम था नोनेंड्रिया, क्योंकि फ्लावर ही नहीं है, फ्लावर ही नहीं है तो स्टेमेन होने का चांस कहां पे है, ना बजेगा बास, क्या बोलते हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी बास, होगी वैसा काम है नोनेंड्रिया, नो एंड्रोशियम, नो स्टेमेन, ठीक है। सो यहां पे एग्जैक्टली बेटा आपको याद रखना है, तो ही मेड जो भी है प्लांट उसके समय जो अवेलेबल थे, ओके, जो भी प्लांट अवेलेबल थे बेटा, इनको हम लोगों ने देखा, यहाँ पे समझाया। तो बेसिकली हमें याद रखना है ना, कि बहुत सारे इनके बुक्स है, अलग अलग लोगों के अलग अलग बुक्स है, बट अभी तो हम लोगों को ये जो बेसिक लेना है, क्योंकि ये जो सब कुछ है ना ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जो अपने पहले चैप्टर्स है ना, लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पे है, हम लोग प्लांट किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे बस हम लोग फॉर्मल कुछ चीजों को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया जो उन्होंने यूज किया बेटा, नंबर ऑफ द स्टेमेन, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता भी है तो आपको बेटा उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, एनी क्लासिफिकेशन ओनली कंसिडर्स फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन है ये, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने खुद अपने क्लासिफिकेशन को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं बोला है ना, ये तो एपीडी कैंडोल ने कहा कि इन दोनों ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, आर यू श्योर, ठीक है। तो ये हम लोग अभी आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट क्लासिफिकेशन, मैं कौन से क्लासिफिकेशन को बेस्ट क्लासिफिकेशन कहूंगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे जो क्लासिफिकेशन है उनको, तो यहाँ पे हमें ड्रॉबैक समझना पड़ेगा है ना, यहाँ पे बेटा पॉइंट पे आते हैं, नॉर्मल पॉइंट क्या है चलो कंसिडर करते हैं। ड्रॉबैक है बेटा कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, थोड़े से कैरेक्टर लोगे बेटा तो जो भी ऑर्गेनिज्म है ना अलग अलग होने चाहिए वो एक जगह आ जाते हैं, जो एक जगह होने चाहिए वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो गलत हो जाते हैं। सो दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक पॉइंट है। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा है ना, इनका क्लासिफिकेशन जो है इट गिव्स इक्वल वेटेज, इट गिव्स इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एज वेल एज व्हाट द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एनालॉजी लेते हैं, मान लेते हैं आप में से एक बच्चे का एक बर्थडे है, ठीक है, उसका हैप्पी बर्थडे करने का है, उसको अपने 10 फ्रेंड को अपने घर में बुलाया है ना, और पार्टी है। तो अगर बेटा वो एक जो भी बच्चा है वो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टूडेंट है, उसने क्या किया, जो भी 10 उसके फ्रेंड आएंगे उसको एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहा, और वो रिटर्न गिफ्ट क्या है, वो रिटर्न गिफ्ट है उसने बराबर बेटा 10 एक ही स्पीसीज के 10 प्लांट्स लाए, ठीक है, 10 पौधे लेके आ गया नर्सरी से एक ही स्पीसीज के, और हर बच्चे हर फ्रेंड को उसने दे दिया, बोले कि ये लेके जाओ है ना, ये मेरा रिटर्न गिफ्ट है आपको मेरे बर्थडे पार्टी का, बट क्योंकि आप मेरे फ्रेंड हो तो मुझे एक प्रॉमिस करो कि अगले साल जब मैं मेरी पार्टी में बुलाऊंगा तो यही प्लांट है ना लेके आ जाना है ना, क्योंकि छोटे ही प्लांट है, ज्यादा हर बैग ज्यादा बड़े नहीं होंगे, तो देखेंगे किस किस के कौन कौन प्लांट टिका के लाता है, कौन कौन अपनी हमारी दोस्ती निभाता है। उसने चैलेंज दिया, सबने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो सब अच्छे दोस्त है, ठीक है। तो उनमें से 9 दोस्त है वो घर गए, देखो 10 थे, 10 को प्लांट दिया है, 9 दोस्त थे सभी घर गए, घर गए सबने बेटा वो जो प्लांट है उसको प्रॉपर्ली ब्राइट लाइट दिया, पर एक जो फ्रेंड है वो इसका बहुत ज्यादा जिगरी फ्रेंड है, बहुत ही ज्यादा है ना, इसलिए क्योंकि ये अपनी एकदम बेटा हार्ड एंड फास्ट फ्रेंड का एकदम
प्लांट है, इसलिए उसने अपने बेड के बाजू में ही बेटा अपने रूम में उस पौधे को लगाया, ठीक है, ये उसने किया। बट यू नो इट कि बेटा कभी भी प्लांट को अगर ज्यादा लाइट नहीं मिलता है ना, तो बेटा उसके जो स्टेम होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो इलोंगेट हो जाते हैं, उसके लीफ भी इलोंगेट हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा जो नॉर्मल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, नॉर्मल लीफ, नॉर्मल स्टेम है ना, नॉर्मल रूट है, वो एबनॉर्मल हो जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ लाइट, श्योर है, ठीक है। तो ये सादा एग्जाम्पल जो है बेटा, इस सादे एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आना चाहिए, नॉर्मल पॉइंट है कि एक ही साल में विद इन वन ईयर अगर थोड़ा सा भी एनवायरमेंट चेंज होता है तो वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होते हैं। तो बेटा हमारा क्लासिफिकेशन तो हजारों सालों तक टिकना चाहिए है ना, और इवोल्यूशन इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड कंसेप्ट फिनोमेना, ठीक है। तो बेटा डेफिनेटली है ना, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज चेंजिंग, एनवायरमेंट इज चेंजिंग, एंड विद दैट चेंजिंग एनवायरमेंट द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर अफेक्टेड, दे गेट है ना, दे शो सम वेरिएशंस। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन के लिए वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी ज्यादा वेटेज दिया, इक्वल वेटेज दिया, तो बेटा ऐसा क्लासिफिकेशन अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, ऐसा क्लासिफिकेशन अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। बट दूसरी तरफ बेटा रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर इवोल्यूशन के टाइम स्केल में बेटा ज्यादा दिनों तक कंजर्व रहते हैं, दे कैन बी प्रिजर्व, they cannot change very easily, okay? So I am telling you one statement, the classification which gives equal weightage to the vegetative as well as what the reproductive characters is not a best classification. Dusra statement, the classification which gives more weightage to the reproductive character than vegetative character is the best classification. This is what the criteria you have to remember. Why? Kya karan hai? Because reproductive characters are more conserved in evolutionary time scale as compared to the vegetative character. Aur aisa kyun? Because yahan statement hai, vegetative characters are more easily affected by the environment. I think the concept is clear to you. Yes? तो बताओ बेटा कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड होना चाहिए, जो क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज देता है एज कंपेयर्ड टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, एंड व्हाई दिस इज सो, बिकॉज़ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बेटा हमें समझ में आना चाहिए। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ बेटा दो अलग अलग साइंटिस्ट दिखाए गए हैं, बेंथम एंड हुकर, ये दो लोग हैं, पता नहीं दोनों गुस्से में दिख रहे हैं, फोटो खींचते समय स्माइल गायब हो गया था, बट चलता है, ठीक है। अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसको हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रिमेम्बर ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये जो अगर मैंने बोला ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अगर मैंने ये बोला बेटा तो है ना, तो मुद्दा आता है ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो वो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे ऐसा होगा कि नॉट ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, नॉट ओनली सम एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो द इंटरनल फीचर्स आर कंसिडर। इंटरनल फीचर क्या है भाई? अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, आप माइक्रोस्कोप ले लो, खरीद लो, नहीं तो कहीं से उठा के लाओ और माइक्रोस्कोप से बेटा स्टडी करो, सेल तक जाओ, सेल को देखो, है ना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करना। एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी प्लांट को काट करके देखो, एनिमल को काट करके देखो, अंदर कैसा दिखता है देख लो, ठीक है। सो स्टडिंग द इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, कॉर्टेक्स किधर है, एपिडर्मिस किधर है, एंडोडर्मिस किधर है, ये सब कुछ देखो, ये एनाटॉमी है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी है ना, जितने भी बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म है सारे जायगोट से डेवलप होते हैं और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिटस बनता है। बट बेटा हर एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब उसके एम्ब्रियोलॉजिकल बेटा जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे है ना। ह्यूमन बींग्स जब बेटा है ना
एकदम इनिशियल स्टेज में, उसको भी गिल्स होते हैं फिश जैसे, पर बाद में गायब हो जाते हैं, उसको भी छोटी सी टेल होती है, बाद में चली जाती है ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल ये हमें स्टडी करना पड़ता है, हमें पता चलता है कि हम डेफिनेटली बेटा हम रिलेटेड है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस से, ठीक है। ये तीसरी चीज है फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट और केमिस्ट्री क्या है उसमें बेटा बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल्स है प्रोटीन से, अमाइनो एसिड्स है, कार्बोहाइड्रेट से, सिंपल शुगर्स, डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विटामिन से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर प्रेजेंट, ओके। तो ये डेफिनेटली बेटा एवरी प्लांट हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट, है ना। सो व्हाई द कलर ऑफ द हल्दी इज येलो, सिंपल बिकॉज इट हैज दैट केमिकल, तो मैं तो उसके केमिकल स्टडी करूंगा, सही बात है। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बेटा मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर लेता हूं, बट सिर्फ मैं कैरेक्टर को चूज नहीं कर रहा, इन्होंने सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं कंसिडर किए, इन्होंने बेटा उनके बीच की नेचुरल एफिनिटीज को देखा। ऐसे नहीं कि कोई भी कैरेक्टर को जमा करना शुरू किया, ऐसा नहीं किया, बिल्कुल ऐसा नहीं किया, उन्होंने बराबर जिन जो एक्चुअली नेचुरली एफिनिटी लगते हैं वैसे ही कैरेक्टर को कंसिडर किया। बट बेटा क्वेश्चन बड़ा ध्यान से याद रखना, इन्होंने इन दोनों ने सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट का ही क्लासिफिकेशन किया था, ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स क्लासिफिकेशन, मतलब सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन किया, एल्गी है ना, फंजाई ब्रायोफाइट, सॉरी फंजाई नहीं, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और कुछ जिम्नोस्पर्म का भी क्लासिफिकेशन किया, बट मोस्टली इन लोगों ने जो फोकस किया था वो था फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। आज अगर आप कोई बॉटनिकल गार्डन में जाओगे घूमने तो बेटा थोड़ा पेड़ों की तरफ भी देखना, इंसानों की तरफ नहीं, ठीक है। तो जब आप वहां पे बेटा बॉटनिकल गार्डन में है ना ट्रीज की तरफ देखोगे तो ट्रीज के आजू बाजू में ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, वहां पे उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखा होता है, वो कौन से फैमिली का है, कौन से जीनस है, कौन सा स्पीसीज है, सब लिखा होता है, आप पढ़ते नहीं, बस आपका ध्यान इधर उधर रहता है, ठीक है। तो बट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें समझ में आना चाहिए, ये जो है बॉटनिकल गार्डन में वर्ल्ड वाइड जहां जहां बेटा प्लांट्स को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो बेटा ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है। अब आपको वर्ड समझ में आता है, बेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या मीनिंग हुआ, बेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या मीनिंग हुआ, मीनिंग तो सिंपल है, बेस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब है नॉर्मली बेटा, है ना, कि ये क्या दे रहे हैं बेटा, इट दे आर गिविंग मोर वेटेज टू द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सही बात है, फ्लावर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सो दैट इनका क्लासिफिकेशन बेस्ट क्लासिफिकेशन है। बट ठीक है, इनका एक प्रॉब्लम था, इन्होंने फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है, इसको प्रॉपरली कंसिडर नहीं किया। एलगी के बाद में उन्होंने बोला कि ब्रायोफाइट होते हैं, ये सही है, ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट आए हैं, ये सही है, बट टेरिडोफाइट के बाद में वो चूक गए, उन्होंने बोला कि टेरिडोफाइट के बाद में डाइकॉट प्लांट आए, डाइकॉट के बाद में जिम्नोस्पर्म आए और जिम्नोस्पर्म के बाद में मोनोकॉट आए, ऐसा उन्होंने कहा, तो गलती कहां की है ना, ये फाइलोजेनेटिक गलती बेटा इनकी थी, बेंथम एंड हुकर की, ठीक है। बेंथम एंड हुकर का जो पॉइंट है बेटा अभी उसको समझना है ना, फाइलोजेनेटिकली इनका क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं था, उसका ड्रॉबैक याद रखना नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन, है ना, आर यू श्योर अबाउट दिस, है ना, कौन से प्लांट का क्लासिफिकेशन किया उन लोगों ने, सर व्हाट वाज द ड्रॉबैक, सर प्लीज रिपीट, फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को उन्होंने कंसीडर नहीं किया, ठीक है, सही ढंग से अरेंज नहीं किया, तो इसीलिए बेटा है ना, इसीलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक एक्सटेंशन है, नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक एक्सटेंशन है, और वो क्या है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन का एक्सटेंशन है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब आप एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना,
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली ए नेचुरल क्लासिफिकेशन. पहला पॉइंट तो यही है ना. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है एक्चुअली बेटा, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन ही है. ठीक है, अब मैं उसको सीरीज में लगा दू. सीरीज है बेटा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है ना. पहला पॉइंट है कि अगर मैं सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर करता हूं, है ना, सिर्फ अगर मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करता हूं तो मैं उसे आर्टिफिशियल सिस्टम कहूंगा. अगर मैं एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स विथ नेचुरल एफिनिटी कंसिडर करता हूं तो उसे मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन कहता हूं. बट बेटा अगर उसमें मैं इंटरनल एक्सटर्नल विथ नेचुरल एफिनिटी एंड विथ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कंसिडर कर लेता हूं, तब मेरे लिए जो क्लासिफिकेशन होगा वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है. क्या आपको ये प्रोग्रेशन समझ में आया, है ना, बहुत नॉर्मल है. शुभम शुभम या कौन है? ओके, सो सिस्टम जो है इसको अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. बेटा अभी KVPY जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा है ना सीरियसली एक पॉइंट को अभी समझना हमारे लिए जरूरी है ना. थोड़ा सा मैं आपका बेसिक बनाना चाहता हूँ, ध्यान देना, है ना, थोड़ा सा एक बेसिक बनाना चाहता हूँ. यहाँ लेते हैं पेंसिल लिया बेटा हम लोगों ने, और ये कलर लेते हैं रेड कलर. ओके, सो बेटा मैं कुछ एग्जाम्पल, एक ऐसा ही जनरलाइज एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूं. यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि अर्थ के ऊपर ब्लू ग्रीन अलगी जो है उनका एग्जिस्टेंस बहुत पहले है ना, मान लेते हैं है ना, कुछ ईयर्स ले लेते हैं, 10 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, ये रफली मैंने लिया है. इस ये टाइमिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, ये कंसेप्ट समझाने के लिए है ना. अर्थ के ऊपर, अर्थ का ओरिजिन हुआ, फिर हमने कहा कि 10 मिलियन ईयर्स एगो बेटा ब्लू ग्रीन अलगी का एग्जिस्टेंस आया. ठीक है, तो बेटा आज के समय में अभी जो ईयर चल रहा है वो है बेटा 2020. ठीक है, 2020 में है ना, 2020 में भी आज भी हमको ब्लू ग्रीन अलगी देखने को मिलते हैं. तो कहना इससे कि आज के जो ब्लू ग्रीन अलगी है ये पुराने वाले ब्लू ग्रीन अलगी उनके एंसेस्टर्स है, बिल्कुल डेफिनेटली मैं ऐसा कह सकता हूँ. ठीक है, तो ये एक लाइन जो है मुझे रिप्रेजेंट कराती है बेटा, इवोल्यूशनरी लाइन बताती है. दिस इज व्हाट द इवोल्यूशनरी डिसेंट, है ना. वर्ड्स को बराबर सही ढंग से समझना, आराम से है, नॉर्मल. अभी मान लेते हैं कि कुछ ब्लू ग्रीन है ना, कुछ ब्लू ग्रीन अलगी बिफोर 5 मिलियन ईयर्स एगो है ना, they diverted from some blue green algae, they modified into the today's red algae. तो आज बेटा red algae भी मिलते हैं oceans में, तो ये red algae के भी ancestor बेटा blue green algae ही है. मतलब red algae, today's red algae and today's blue green algae, ठीक है, they have a common ancestor. So they have a same evolutionary descent. बहुत ध्यान से words को समझो, क्योंकि ये सब questions बार बार बेटा biology olympiad में KVPY में आते ही आते हैं, हर साल होता है. Now हम लोग consider करते हैं somewhat before 2 million years ago एक और बेटा blue green algae से branch निकली, और आज उनके कुछ modified organism देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं. दे आर नाउ द ब्राउन एल्गी. ठीक है, कैन आई से द रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड द टुडेज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द कॉमन एंसेस्टर? यस. ठीक है, मान लेते हैं बेटा है ना, रिसेंटली कुछ 0.5 मिलियन ईयर्स एगो इनसे बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी की लाइन से ही है ना एक और टाइप का एल्गी आया मॉडिफाई, जो आज अवेलेबल है, आज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, वो ग्रीन एल्गी है.
ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मुझे फाइलोजेनी समझाता है ना, मुझे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझाता है। कैसे, मैं आपको समझा दूं। इफ आई विल से, आप में से बहुत से बच्चे अब ये समझ जाएंगे, इफ आई विल से द रेड एल्गी इज मोर एंसेस्टर, मोर प्रिमिटिव देन द ब्लू ग्रीन एल्गी, यस इट इज करेक्ट, सॉरी देन द ब्राउन एल्गी, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, इन इफ आई विल से द रेड एल्गी एंड द ब्राउन एल्गी आर मोर प्रिमिटिव देन द ग्रीन एल्गी, यस दैट आल्सो आई कैन अंडरस्टैंड। कैन आई से दिस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ग्रीन एल्गी आर मोर एडवांस्ड टाइप ऑफ द एल्गी, है ना, मोर रिसेंट देन द रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, सो दैट आई कैन से। सो दिस वे आई कैन कोरिलेट बट एट द सेम टाइम दैट आई ऑल्सो से दैट मैं ये भी कहता हूं कि बेटा ग्रीन एल्गी, टूडेज ग्रीन एल्गी, टूडेज ब्राउन एल्गी एंड टूडेज रेड एल्गी एज वेल एज टूडेज ब्लू ग्रीन एल्गी इन 2020 विच आर मे बी अवेलेबल ऑल हैव द सेम एंसेस्टर दैट इज दिस प्रिमिटिव ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। तो ये जो चीज है बेटा इसी को मैं फाइलोजेनेटिक स्टडी कहता हूं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करना, इसी को तो हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द फाइलोजेनी। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपको है ना बताना चाहता हूं बेटा। दैट मींस ये जो चीज बनाई है, ये जो डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम को मैं एक वर्ड कहता हूं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्योंकि ये अब मुझे ब्रांचेस दिखाई दे रही है और इनको मैं लीफ मानता हूं। So this diagram is actually, I call it as a phylogenetic tree. So this is what the phylogenetic tree, and it has the branches like this and phyla on the every group. Okay, तो ये terminology हुई, ये का phylogeny, ये बेटा phylogenetic tree. The study of the evolutionary history, the study of the evolutionary relationship is called as the phylogeny. I again repeat, the study of the evolutionary relationship is called as a phylogeny. I again repeat, the study of the evolutionary relationship is called as the phylogeny. And the arrangement, the phylogenic arrangement is appearing branches of like a tree, so it's called as what, the phylogenetic tree. बेटा आप लोगों ने, बहुत लोगों ने एक गेम खेला होगा है ना मोबाइल पे, उसका नाम था बेटा क्लैश ऑफ क्लैन, है ना, बहुत से लोगों ने खेला होगा क्लैश ऑफ क्लैन। व्हाट इज अ क्लैन, ये क्लैन का मतलब क्या होता है ना, क्लैन का मतलब टीम या ग्रुप, है ना, दैट्स इट। तो बेटा ये एक क्लैन है, ये एक क्लैन है, ये एक क्लैन है, दीज आर व्हाट द डिफरेंट क्लैन। बट है ना ये जो ब्रांच होती है ना बेटा, ब्रांच इज एक्चुअली कॉल्ड एज द क्लैड, ब्रांच को हम लोग बोलते हैं क्लैड, branch is called as the clade. So that the phylogenetic tree jo hai, hai na, phylogenetic tree is also called as, because it has a lot of branches, hai na, isiliye phylogenetic tree ko ek aur naam hai beta, cladogram. To agar aisa word dikhe to confuse nahi hona hai na, ye jo tree diagram hai isko main cladogram bhi kehta hu, this is called as the cladogram, it's simple, ye hai cladogram. Sure. Now come to here. यहाँ पे आते हैं बेटा, ये जो है अभी तो phylogeny कहा, इसीलिए phylogeny is also called as the word that is called as the cladistics. ठीक है, now if I will consider the branches, I will consider the clad. If I will consider the group of the organism, I will consider the phyla. Phyla consider करता हूं तो phylogeny. ठीक है, ब्रांचेस में ना रिलेशनशिप को ज्यादा वेटेज देता हूं तो क्लैडिस्टिक्स। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द थिंग, दिस इज द ट्रांजिशन, बट बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग। ठीक है, मे बी यू आर क्लियर नाउ, यस सर नो। तो बेटा ये जो, यस सर, इसको मैं कहता हूं, अब ये ईयर में, ईयर की तरफ ध्यान मत देना, मैंने तो बस समझाने के लिए, ये ईयर आपको रटने पड़ेंगे वो अलग ढंग से। ठीक है, मुद्दा क्या है,
मुझे एक चीज समझ में आई कि ये चारों जो प्लैंट के ग्रुप्स है बेटा वो एक दूसरे से इवोल्यूशनरी रिलेटेड है ना। मुझे तो बताया जाता है कि अगर बेटा एप्स को हम लोग कंसिडर करना शुरू करते हैं, इफ वी कंसिडर द एप्स, तो चिंपैंजी, चिंपैंजी जो है ना, और हम लोग जो पार्ले जी खाते हैं और वो चिंपैंजी जो बनाना खाता है, ठीक है, ये बेटा बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ह्यूमन बींग्स एंड चिंपैंजी। इवोल्यूशनरीली बेटा हम लोग बहुत क्लोज है, ठीक है, एज कंपेयर टू द ओरैंगुटान, एज कंपेयर टू द बबून, एज कंपेयर टू द गोरिल्ला। आर यू क्लियर और नॉट? सर सर, आपने अभी पार्ले जी और बनाना का एग्जांपल दिया, तो फिर डाइट के ऊपर ऐसे एक्चुअल में क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? क्या बेटा? डाइट के ऊपर एक्चुअल क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? क्लासिफिकेशन तो है ना, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए आप क्या कैरेक्टर यूज करते हो उसके ऊपर से क्लासिफिकेशन होगा। और हम लोग फॉसिल्स का रिकॉर्ड कंसिडर करते हैं इवोल्यूशनरी लाइनअप सेट करने के लिए, और वो एक दिन में थोड़ी बनता है ना, ये चेंज भी होता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर दूं, ये कंसेप्ट आपको क्लियर है ना? यस सर। सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एनीवे नाउ डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा है तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अभी बैक जाते हैं, ठीक है, हमारे पास जो मुद्दा है बेटा उसको हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। नाउ ये एक ऐसे ही जस्टिफाइबल डायग्राम दी गई है, ये इतना बेटा साइंटिफिकली ट्रू वाली डायग्राम नहीं है जो यहाँ दी गई है, बट आप समझ सकते हो कि ये दो ऑर्गेनिज्म को अगर आप फोकस करते हो, अभी ये केवीपीवाई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, अब ऐसा एक डायग्राम देंगे, बोलेंगे ये वाला एक ऑर्गेनिज्म है, इसको ए रखा, इसको नाम रखा बी, तो बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए ए एंड बी आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ये चीज है, ठीक है ना। या तो मैं स्टेटमेंट देता हूं, मैं बोलता हूं सुनो बराबर ध्यान से, इसको मैंने ए कहा, इसको बी कहा, इसको सी कहा, इसको डी कहा और इसको ई कहा, तो क्या मैं ये स्टेटमेंट दूं कि ए बी एंड सी दीज थ्री स्पीसीज हैव ए कॉमन एंसेस्टर? यस, ठीक है, देखो ए का और बी का कॉमन एंसेस्टर ये है यहाँ पे, ठीक है, बट सी का कॉमन एंसेस्टर और इसका बेटा जो है ना वो यहाँ पे है, मतलब ये तीनों का कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे है, तो दीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड, यस और नो, है ना, और भी इससे भी क्लोजली रिलेटेड ग्रुप बनाया जा सकता ये है। सो बाय दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही बेटा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स के है ना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम कंसिडर करते हैं, तो बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज द बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन। कैन आई से देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज ए बेस्टेस्ट क्लासिफिकेशन बिकॉज इट ऑल्सो कंसिडर द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इंग्लर और प्रैंटल ये साइंटिस्ट है, इंग्लर एंड प्रैंटल ये साइंटिस्ट है, इन लोगों ने बुक का नाम बता देता हूं, है ना, डाय नेचुरली केन पी फ्लैंजिन फैमिलिन, ये बड़ा सा लंबा सा नाम है, मतलब इसको याद ही मत रखो, ऐसा कुछ बड़ा सा नाम दिखेगा तो समझ जाना कि इंग्लर और प्रैंटल ने ये बुक का नाम रखा है, ठीक है। एक जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पहला तो ये स्टेटमेंट देख लो, यहाँ स्टेटमेंट देख लो, दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टैक्सा have a common ancestor. अब ये जो वर्ड दिया है टैक्सा, मतलब ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑल द मैंगो ट्रीज, ठीक है, एंड ऑल द टैमरिंड ट्रीज आर ग्रुप टूगेदर, सबको ट्रीज बोला, इसका क्यों मतलब बेटा, इसका सीधा मतलब है कि उनका एंसेस्टर कॉमन है। मैं एक को अलग ढंग से बता देता हूँ, है ना, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, ये तीनों आपको एक जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते? Yes. कैरेक्टर्स मैच करते ही नहीं, मैच करते और वो सारे कार्निवोर्स हैं, मतलब वो एक टैक्सा में आ गए, लायन, टाइगर एज वेल एज द लेपर्ड, है ना, तीनों के तीनों बेटा कार्निवोरस ग्रुप में आ गए, उनका वो एक कॉमन टैक्सा शेयर करे, एक ग्रुप शेयर कर रहे, और वो कार्निवोरस एनिमल्स का,
और ये इससे ही समझ में आता है कि वो एक ग्रुप में है, इससे ये समझ में आता है कि बेटा वो क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर कर रहे हैं, दे आर शेयरिंग द कॉमन एंसेस्टर, इससे मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट ऑफ टुडे है ना, कंक्लूजन पे आने से पहले देखो यहाँ पे हम लोग, यहाँ एक सिंपल सा पॉइंट में बता देता हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये नाम है बेटा साइंटिस्ट का, इसका नाम है बेटा तख्त जान, क्या नाम है, तख्त, तख्त जान, ठीक है, सख्त जान नहीं है, तख्त जान है। ठीक है, आप में से बहुत लोगों ने टॉम एंड जेरी देखी होगी, टॉम एंड जेरी कार्टून है ना, मैं घर में हूं तो मेरे बेटी के साथ मुझे देखना ही पड़ता है होल डे। ठीक, तो मुद्दा क्या है थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे तख्त जान जो है, मैं आपको बताता हूँ उसने क्या कहा था, क्वेश्चन क्या आएगा थोड़ा ध्यान से। मुद्दा है कि आपने कभी देखा है, अभी टॉम वगैरह जेरी वगैरह ऐसे दौड़ा भागी करते हैं, अभी टॉम अगर रस्ते पे भाग रहा है उसके ऊपर से रोड रोलर चला गया ऐसे भयंकर वाला है ना, तो पूरा टॉम जो है पापड़ बनेगा, रोड को चिपक जाएगा, पर जैसे ही रोड रोलर चला जाएगा तो पहले उसकी आंखें जो है आईज ऐसी पॉपअप होती है, फिर हवा भरी जाती है, ठीक है, और फिर वो बेटा फिर से दौड़ने लगता है। क्या ये आपके साथ पॉसिबल है, क्या ये मेरे साथ पॉसिबल है, क्या ये ह्यूमन बींग के साथ पॉसिबल है, नहीं, एक बार पापड़ बन गया, एनिमेशन है ना। तो बेटा वो यही कह रहा है, कैन यू इमेजिन योर सेल्फ विदाउट योर एंडोस्केलेटन, आपके जो बोन्स है उसके बिना आप अपने आप को इमेजिन करो, आप ऐसे कपड़े जैसे नीचे गिर जाओगे है ना, बोन्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके बॉडी को। तो तख्तजान यही स्टेटमेंट कहता है, क्लासिफिकेशन विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक द फ्लैश विदाउट बोन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में अगर आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कंसिडर नहीं करते हो तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके बॉडी में बस फ्लैश है और बोन्स ही नहीं है। ठीक है, तो यू कैन नॉट गिव द फ्रेमवर्क, प्रॉपर फ्रेमवर्क टू द क्लासिफिकेशन विदाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर आपको दिखे तो आपका जो एग्जाम्पल होगा बेटा वो होगा, मतलब जो साइंटिस्ट का नाम होगा वो है तख्तजान है। ठीक है, तो मैं एक समराइज कर देता हूँ, नंबर वन समराइज है बेटा, टू किंगडम सिस्टम गिवन बाय लिनियस, थ्री किंगडम सिस्टम गिवन बाय हेकेल, फोर किंगडम सिस्टम गिवन बाय कोपलैंड एंड फाइव किंगडम सिस्टम गिवन बाय द विटेकर। ठीक है, द क्लासिफिकेशन इज डन बाय द एपीडी कैंडोल मार है ना, इफ यू कंसिडर ओनली फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इफ यू कंसिडर ओके नेचुरल एफिनिटी एक्सटर्नल एज वेल एज सम इंटरनल कैरेक्टर्स इट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर, एंड इफ यू इवन कंसिडर द नेचुरल क्लासिफिकेशन विथ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इट इज कंसिडर्ड एज वर्ड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। So right now I can say that which of the following is the bestest classification or the best classification? I have four options. Phylogenetic. One is a morphological, phylogenetic. One is a natural, phylogenetic. One is a phylogenetic and one is a numerical and the answer is phylogenetic. Phylogenetic. Okay, तो ये बेटा, तो जो भी अभी हमारा next class होगा, है ना? Next class में कुछ taxonomy के type देखने हैं और फिर plant kingdom पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, केमो टैक्सोनॉमी, ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, और ये जो ग्रुप है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ओके, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको बेटा थोड़ा डिटेल में पढ़ना हमें नेक्स्ट क्लासेस में है। ठीक है, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही काफी है, कुछ यहाँ पे चैट हेड शुरू है, मैं देख लूं सर ये। हाँ बोलो। थैंक यू सर। सर इसका रिकॉर्डिंग का खाली लिंक दे देना ना, मेरा स्टार्टिंग थोड़ा छूट गया था, मैं थोड़ा लेट आया था, मैं भेज दूंगा है ना, रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत मस्त था, मजा आया है ना। तो ये इस तरह से बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे का वर्शन पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, 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 थैंक यू सर।